स्वामी स्वामी स्वामी, हमारे पुत्र इंद्र और दूसरे देवताओं के साथ क्या हुआ, कुछ सुना आपने? हाँ सुना देवी, सुनकर दुख अवश्य हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ। जो एक ही भूल को बार बार दोहराएं, तो ये समझ लेना चाहिए कि ना तो उन्हें अपनी भूल को सुधारने की इच्छा है और ना ही वो अपनी भूल का सुधार चाहते हैं। परिणाम ये होता है कि वो बार बार भूल करते जाते हैं और दंड भोगते जाते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पुत्रों को सिंहासन और देवलोक खोने का अभ्यास हो चुका है। इससे पहले भी तो वो देवलोक से निकाले जा चुके हैं। किंतु इस बार समस्या गंभीर है स्वामी। असुर राजबली ने घोषणा कर दी है कि जो भी मेरे पुत्रों को शरण देगा, बलि उसे अपना शत्रु मानकर उस पर आक्रमण कर देगा। देवलोक छिन चुका है, पाताल लोक जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। मेरे पुत्र कहाँ जाएंगे? आप ही कोई मार्ग दिखाइए स्वामी। हमारे पुत्र स्वयं को अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान समझते हैं। वो कोई भी कार्य करने से पहले हमसे परामर्श लेना आवश्यक नहीं समझते, और फिर कोई ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता। वो ये भी भूल जाते हैं कि भूल उनसे होती है और दुख हमें झेलना पड़ता है। अब सत्य कहते हैं स्वामी, किंतु हमारे पुत्रों पर संकट आए तो हम उनसे मुंह तो नहीं मोड़ सकते। हमें को कुछ सोचना है। मैं तो सोच सोच कर हार गई, आप ही कुछ बताइए स्वामी। यदि देवता मेरी संतान है तो दानव भी मेरी संतान है। इसीलिए तो कह रही हूं कि आप कुछ कीजिए। असुर माता दिति। असुर माता दिति मेरी धर्म पत्नी अवश्य है, परंतु आपकी छोटी बहन है। मेरी तुलना में आपसे उनका नाता अधिक पहले का है। देवी आप स्वयं उनके पास जाएं। हो सकता है कि बड़ी बहन की दशा देखकर छोटी बहन का मन पसीज जाए। मेरे विचार में इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रह गया है। दीदी आप? हाँ मैं। भीतर आइए। नहीं बहन, यही ठीक है। मैं तुमसे कुछ सहायता मांगने आई हूं, मेरी बात को ठुकराना मत। ऐसी क्या बात है दीदी? बलि तुम्हारा प्रपोत्र है। ओ, तो ये बात है। बलि ने मेरे पुत्रों को घर से बेघर कर दिया है। और आपके पुत्रों ने बलि के साथ क्या व्यवहार किया था? उनसे भूल हो गई बहन। और ये भूल पहली बार तो नहीं हुई। आपके पुत्रों ने कई बार मेरे हृदय को अपनी भूलों से घायल किया है। मैं उन्हें भूलने का प्रयत्न कर ही रही थी, किंतु आपने आकर फिर उनका स्मरण करा दिया। आप चाहती हैं कि मैं इस झगड़े में हस्तक्षेप करूं? हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे द्वार पर आई हूं। परंतु मैं क्यों हस्तक्षेप करूं दीदी? इसलिए कि यदि एक बहन पर कोई संकट आए तो दूसरी बहन को उसकी सहायता करनी चाहिए। उस पर भी तो कई बार संकट आए, मेरी तो किसी ने सहायता नहीं की। दीदी कहने की बात नहीं, परंतु आज जब आपके पुत्र घर से बेघर हुए हैं तो आपके नेत्रों से अश्रु धारा बह रहे हैं। परंतु आपके पुत्र ने जब मेरे विरोचन को मार कर जला डाला था, और जब आपके पुत्र ने अकेले बलि को घेर कर उसका शरीर छलनी छलनी कर दिया था, बड़ी निर्दयता से उसकी हत्या कर दी थी, तब आपके नेत्रों से अश्रु की एक बूंद भी नहीं टपकी थी। दीदी यदि आप माता हैं तो मैं भी माता हूं। दीदी अपने पुत्रों पर अत्याचार होता देख मेरा मन भी तड़प उठता है। मेरी बात तो सुनो दीदी, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है। मेरे मन में आपके लिए अपार आदर है, परंतु मुझे खेद है
मैं इस विषय में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। दीदी, देखा आपने महादेवी, देखा कभी कभी संतान माता को कितना स्वार्थी बना देती है। नारी माता का रूप अवश्य होती है, परंतु एक ही घटना ने एक माता को कितना हृदयहीन बना दिया। परंतु इसमें दिति का क्या दोष? विरोचन और उसके उपरांत बलि के साथ देवराज ने जो व्यवहार किया उससे दिति तो क्या, स्वयं आपको और मुझे भी देवराज पर क्रोध आ चुका है। सत्य है, देवराज ने जो कुछ किया बहुत बुरा किया, परंतु संतान कभी कभी ये भूल जाती है कि उसके अपराध का दंड केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, उसके माता पिता को भी भोगना पड़ता है। महादेवी, जिस प्रकार चोट यदि केवल एक ही उंगली को लगे तब भी पीड़ा सारे शरीर को झेलनी पड़ती है, उसी प्रकार भूल परिवार के एक ही सदस्य से होती है, परंतु उसका प्रभाव और परिणाम समस्त परिवार को सहन करना पड़ता है। अब देखना यह है महादेवी कि बलि अपने क्रोध पर कितना अंकुश लगा पाता है। परंतु उसने अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो देख रही हूँ कि इतनी बड़ी घटना घटने के उपरांत भी उसकी दानी प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हे कमलनयन, अपने प्रपौत्र बलि को नित्यदिन जी भर के दान करते देखती हूँ तो मेरा मन खिल उठता है। धन तो सबको आप ही की कृपा से मिलता है महादेवी, किसी को आप मांगने पर देती है तो किसी को बिना मांगे। हाँ कमलनयन, परंतु जब कोई मेरा दिया हुआ धन निर्धनों को दान कर देता है तो मैं गदगद हो उठती हूँ। मेरा मन करता है कि मैं उसे और भी धन दूं। इसका अर्थ महादेवी कि आप अपने प्रपौत्र बलि का कोष कभी रिक्त ही नहीं होने देंगी। हाँ कमलनयन, मेरे धन का वो सदुपयोग कर रहा है। मैंने तो निर्णय किया है कि कभी भी उसे धन की कमी का आभास नहीं होने दूंगी। दुर्वदेणेयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयत् स्वाहा। मुझे धन नहीं चाहिए सम्राट। प्रणाम देवी, मैंने आज पहली बार आपको देखा, कौन हैं आप? परिचय जानकर दान देना दान लेने वाले का भी अपमान है और दान देने वाले का भी। परिचय जानने की इच्छा का कारण यह नहीं था कि दान मांगने वाले का अपमान हो। आप कहिए क्या चाहती हैं आप? मैं जो मांगूंगी क्या आप मुझे देंगे सम्राट? देवी, आप असुर लोक के सम्राट प्रहलाद के पौत्र के समक्ष खड़ी हैं, जिनसा दानी ना कोई जन्मा है ना कभी जन्मेगा। देवी, ये मेरे गुरुदेव का स्नेह है,
जो ये ऐसा कह रहे हैं, परंतु यदि मेरे वश में होता तो मैं संसार का सारा धन निर्धन और धनहीन लोगों में बांट देता। क्षमा भी? अर्थात क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या दानी सम्राट बलि किसी को क्षमादान भी कर सकता है? हाँ, तीनों लोकों में केवल देवताओं को छोड़कर मैं किसी को भी क्षमादान कर सकता हूं। माता लक्ष्मी की सौगंध, यदि केवल उन्होंने मेरी हत्या की होती तो मैं उन्हें क्षमादान कर देता, परंतु उन्होंने छल से मेरे निर्दोष पिता श्री की हत्या करके अपने आप को क्षमादान के योग्य ही नहीं रखा। देवी, आप किसके लिए क्षमादान चाहती हैं? केवल देवताओं को छोड़कर आपके बिना कहे मैं किसी को भी क्षमादान कर सकता हूं। माता लक्ष्मी का यह भक्त केवल एक दिन में ही अपना सारा धन दान कर सकता है। आप कहिए, आप क्या चाहती हैं? मुझे खेद है, आप निराश होकर जा रही हैं देव माता। क्या कहा? देव माता? देव माता, मुझे क्षमा कर दीजिएगा देव माता, मैंने आपको निराश किया, किंतु आप मुझसे आशीर्वाद लेने का अधिकार मत छीनिएगा देव माता। मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए देव माता। हे महादेवी, आप निर्धन को भी मुस्कुराकर देख लें तो वह धनवान हो जाए, और धनवान से रुष्ट हो जाए तो एक क्षण में कंगाल हो जाए। आप जिस चौखट पर पग धरे वो स्वर्ण की हो जाए, और आप जिस घर को छोड़ दें वो नरक समान हो जाए। तीनों लोक में ऐसा कौन है जो आपकी कृपा दृष्टि नहीं चाहता? आप जीवन की सबसे महान आवश्यकता है, आप जीने का महानतम साधन है। संसार की सारी हलचल, सारी चहल पहल आपके बल पर है। आप प्रसन्नता का आधार है माते, मुझ पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखिए, मुझ पर सदा अपनी कृपा दृष्टि रखिए। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं माते, मेरा यश कुछ नहीं, मेरा मान सम्मान कुछ नहीं। सिद्ध बुद्धि प्रदे देव भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र पूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। मैं तुम्हारे समक्ष खड़ी हूं वत्स, आंखें खोलो। माता, आप? माता, मैं अपने भाग्य पर जितना भी गर्व करूं कम है, मेरे ये नेत्र इस योग्य नहीं कि आपके दर्शन पाकर तृप्त हो जाएं। मैं दीनहीन, केवल आपकी कृपा पर ही आश्रित हूं। मैं धन्य हो गया माते, मैं धन्य हो गया। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं वत्स, जो मांगना है मांग लो। माता, आपके दर्शन मिल गए, अब और क्या मांगू? इस संसार में इससे बड़ा धन और क्या होगा? तुम्हारी दानी प्रवृत्ति देखकर मैंने ये निर्णय लिया है
कि तुम्हें दान करने के लिए नित्यदिन 100 बार स्वर्ण दे दिया करूंगी। आपको कोटि-कोटि प्रणाम माता। और कोई इच्छा हो तो कहो पुत्र। इच्छा तो है माता, केवल एक ही इच्छा है। जिस प्रकार आपने यहां आकर मुझे धन्य किया, उसी प्रकार एक दिन भगवान श्री विष्णु भी आए और उन्हें अपने समक्ष पाकर मेरा जीवन सफल हो जाए। ये तो तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है वत्स। बुलाने वाले में शक्ति हो तो वो उन्हें किसी भी समय किसी भी स्थान पर बुला सकता है। एक नन्हे बालक ध्रुव ने उन्हें भोलेपन से पुकारा तो वो उसके पास भी चले गए। तुम्हारे दादा श्री प्रहलाद ने उन्हें मन से स्मरण किया तो मेरे नारायण ने उन्हें भी निराश नहीं किया। जानता हूं माता, विश्वास कीजिए उन्हें मेरे पास भी आना ही होगा। नारायण नारायण। देवर्षि प्रणाम। लक्ष्मी नारायण आइए। देवर्षि स्वागत है, स्वागत है। इतने दिनों के उपरांत दर्शन दिए, कहां रहे? जहां भी रहा आपका ही नाम जपता रहा, आपका ही गुणगान करता रहा। हे प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपने का अतिरिक्त मेरा और कार्य ही क्या है? परंतु माता के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। माता कहाँ चली गई? देवर्षि, आपकी माता को समस्त त्रैलोक्य में कृपादान करने से अवकाश कहाँ? वो तो चाहती है कि समस्त संसार में कोई भी व्यक्ति निर्धन ना रहे, जहां भी वो जाए स्वर्ण की वर्षा कर दे। सत्य कहा आपने, माता का हृदय इतना विशाल है कि वह धन बांटते बांटते नहीं थकती। परंतु एक बात है प्रभु, कह दूं? कहिए कहिए। वैसे भी कोई बात कहने से कोई आपको रोक थोड़ी ना सकता है देवर्षि, कहिए। माता के बिना विष्णुलोक अधूरा सा लगता है, कहां है वे विष्णुलोक? देवर्षि, आपकी माता के बिना तो स्वयं भगवान विष्णु अधूरे लगते हैं। समस्त संसार मुझे लक्ष्मी नारायण कारण ही नहीं पुकारता। देवर्षि, इस समय वो अपने प्रपौत्र बलि से मिलने गई है। बहुत प्रसन्न है वो उसके दान पुण्य से, उसे आशीर्वाद देने गई है। पर आप तो जानते हैं अपनी माता का स्वभाव, जिस पर प्रसन्न हो जाए उसके भंडार भर दे। यह तो मैं जानता हूं लक्ष्मी नारायण, परंतु इसके पीछे आपकी क्या लीला है यह जानने का प्रयत्न कर रहा हूं। अर्थात? अर्थात हे पद्मनाभ, एक ओर आपने देवताओं के सिर से हाथ हटा लिया है, दूसरी ओर माता बलि पर कृपा पुष्प बरसा रही है, और तीसरी ओर मानव लोक में देवराज और अन्य देवताओं की पूजा आरंभ हो गई है। मैं ये तो जानता हूं लक्ष्मी नारायण, ये सब आपके संकेत पर हो रहा है, पर क्यों हो रहा है ये नहीं समझ पा रहा हूं। हे वर्षि, क्या प्रसन्न नहीं है कि जिन बेचारे देवताओं की पूजा बलि ने बंद करवा दी थी उनकी कहीं तो पूजा हो रही है, कोई तो पूजा कर रहा है। आप तो जानते हैं देवर्षि कि हमारे देवराज इंद्र की एक बड़ी दुर्बलता है, उन्हें यह लगता है कि कोई उनकी पूजा ना करे तो उनका महत्व घट जाएगा। बेचारे देवताओं को कहीं तो आश्रय मिला, मानव लोक में ही सही। मैं जानता हूं कि आप मुझे अभी कुछ नहीं बताएंगे, किंतु हे लक्ष्मी नारायण, आपकी सुंदर हंसी मुझे बहुत कुछ बता रही है। अच्छा, मेरी सुंदर हंसी में आपको किसी कथा का आभास हो गया क्या? नारायण नारायण, आप नायकों के नायक हैं सर्वेश्वर, त्रिलोक की सारी कथाओं के जन्मदाता हैं। मैं तो आपके कथानक का एक छोटा सा पात्र हूं। कहानी तो नायक के मुख से ही भली लगती है। हे सर्वेश्वर, आपके मन में कौन सी कथा रच रही है ये तो आप ही बताएं। आप ठीक समझे देवर्षि, एक कथा की रचना तो अवश्य हो रही है, पर उसका चरम बिंदु कब कैसे और कहां आएगा
इसकी प्रतीक्षा तो स्वयं मैं भी कर रहा हूं, आप भी कीजिए। सम्राट की जय हो। क्या समाचार लाए हो सेनापति? सम्राट मुझे खेद है, परंतु मेरे पास आपको सुनाने के लिए कोई बहुत शुभ समाचार नहीं है। क्या कहना चाहते हो? महाराज, आपके आदेशानुसार समस्त पाताल लोक में देवताओं की पूजा रोक दी गई है, परंतु परंतु क्या? महाराज, मानव लोक में अब भी देवताओं की पूजा हो रही है, बल्कि उसमें कुछ वृद्धि ही दिखाई दे रही है। क्या मानव लोक में हमारी घोषणा की गूंज नहीं पहुंची कि जो भी देवताओं की पूजा करेगा वो हमारे क्रोध को निमंत्रण देगा? पुत्र, तुम पाताल लोक के सम्राट हो, मानव लोक तुम्हारी सत्ता के घेरे से बाहर है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मुझे मानव लोक को भी अपनी सत्ता के घेरे में लाना होगा। इसके लिए तुम्हें मानव लोक पर चढ़ाई करनी होगी। तो मैं करूंगा, अवश्य करूंगा। मैं मानव लोक में देवताओं की पूजा रुकवा कर ही दम लूंगा। बहुत शुभ विचार है पुत्र, बहुत शुभ विचार। यदि तुमने पृथ्वी लोक पर भी विजय पा ली तो देवताओं को सिर छुपाने के लिए कोई स्थान नहीं मिलेगा। ऐसा ही होगा गुरुदेव, जहां भी देवताओं की पूजा होगी मैं वहां जाकर उनसे युद्ध करूंगा और उसे जीत लूंगा। सेनापति जी। महाराज, हमारी सेनाओं को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दे दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। नारायण नारायण। पुत्र प्रह्लाद। देवर्षि प्रणाम। देवर्षि आयुष्मान भव। देवर्षि, आपने मुझे अचानक दर्शन देकर धन्य कर दिया। आपकी पवित्र वाणी से नारायण का नाम सुनने को मेरे कान तरस गए थे। मुझ पर बड़ा उपकार किया आपने इस वन में पधारकर। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता होती है। तुम्हारे जैसे शिष्य की खोज मुझे इस वन से उस वन में फिराती रहती है, परंतु सत्य तो यह है कि तुम्हारे जैसा शिष्य मिलना बहुत कठिन कार्य है। मेरे जैसा शिष्य मिलना तो केवल कठिन है, परंतु आप जैसा गुरु मिलना असंभव है। मुझे गर्व है कि त्रिलोक के महानतम गुरु के चरणों की धूल से मैं तिलक कर सका। परंतु हे देवर्षि, यद्यपि आपका मेरे पास आना मेरा परम सौभाग्य है, परंतु मुझे विश्वास है कि आपका आना अकारण नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है शिष्य। मुझे ये तो ज्ञात है कि संसार को त्याग कर संन्यास ले लेना बहुत महान कार्य है। मैं तो ये जानने के लिए भ्रमण कर रहा था कि संन्यास का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तुम्हें देखकर मुझे यह भी ज्ञात हो गया शिष्य। मैं समझा नहीं देवर्षि, मुझे देखकर क्या ज्ञात हुआ आपको? तुम्हें देखकर मुझे यह ज्ञात हुआ पुत्र कि संन्यास न केवल जग से मुक्ति दिला देता है, वरन इस चिंता से भी मुक्त कर देता है कि जग पर अच्छी बीत रही है या बुरी। मैं समझ गया था देवर्षि कि आपका आना अकारण नहीं है, सब कुशल मंगल तो है। कुशल मंगल होता तो यहां आकर तुम्हारे तप को मैं भंग क्यों कर देता? आपने मेरा तप भंग नहीं किया, आपका दर्शन भी तो तप का एक अंश है। परंतु मैं यह अवश्य जानना चाहूंगा
कि कहीं कोई असाधारण घटना तो नहीं घटी। मेरा पौत्र बलि कैसा है? तुम्हारा पौत्र बलि तो सकुशल है, परंतु उसके कारण दूसरों की कुशलता संकट में पड़ सकती है। देवर्षि, आपने ये कहकर मेरी व्याकुलता को बढ़ा दिया है। कृपया स्पष्ट कहें कि क्या हो रहा है। तुम्हारे पौत्र बलि ने मानव लोक पर आक्रमण की घोषणा कर दी है। मानव लोक पर आक्रमण? मुझे ये तो ज्ञात है कि पुत्र विरोचन की हत्या और स्वयं उसके विरुद्ध किए गए देवताओं के अभियान से वो बहुत क्रोधित है, परंतु इसमें मानव और मानव लोक कहां से बीच में आ गया? देवताओं की पूजा पाताल लोक में तो बंद हो गई है, किंतु मानव लोक में अब भी हो रही है। तुम्हारे पौत्र को इसी बात पर क्रोध आ गया। परंतु यह तो सर्वथा अनुचित है, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। कौन रोक टोक सकता है उसे? तुम वहां हो नहीं रहे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तो वो तो इस बात से आनंद ले रहे हैं कि अब उनके और बलि के बीच कोई और नहीं आ सकेगा। तो फिर आप ही कोई उपाय बताएं देवर्षि। मुझे विश्वास तो नहीं, किंतु संभव है कि यदि तुम बलि को समझाओ बुझाओ तो वो समझ जाए। यदि यही मार्ग रह गया है तो मैं इस वन को छोड़कर असुर लोक अवश्य जाऊंगा। मैं रोकूंगा उसे इस अनर्थ से। नारायण नारायण। सम्राट बलि की जय हो। सेनापति, हमारी सेना प्रस्तुत है। हाँ सम्राट, बस गुप्तचरों के लौटने की प्रतीक्षा है। गुप्तचरों के लौटते ही मानव लोक पर आक्रमण कर दिया जाएगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे पौत्र। दादाश्री। प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भव। दादाश्री, आपको देखकर मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। और यह सुनकर हमारे दुख की सीमा नहीं रही कि तुम मानव लोक पर आक्रमण करने जा रहे हो। क्यों दादाश्री? सुनो पौत्र, मानव और मानव लोक से हमारा कोई विवाद नहीं। वर्षों पहले एक संधि हुई थी जिसके अनुसार देवलोक पर देवताओं का, मानव लोक पर मानव का और असुर लोक पर हमारा आधिपत्य मान लिया गया था। परंतु दादाश्री, पिताश्री और मेरी हत्या के उपरांत देवताओं ने उस संधि की धज्जियां उड़ा दी और तुमने देवलोक पर विजय पताका फहराकर उसका उत्तर दे दिया। बस अब इस विवाद को इसी बिंदु पर समाप्त हो जाना चाहिए। परंतु दादाश्री, मैंने देवताओं की पूजा बंद कर देने का आदेश दिया है। असुर लोक में उस आदेश को मान लिया गया है, परंतु मानव लोक में नहीं माना गया है। मानव लोक तुम्हारे अधीन नहीं है पौत्र। तो मैं उसे अपने अधीन करूंगा। यह तुम्हारी भूल होगी दादाश्री, यह देवताओं का अंतिम दंड होगा। पौत्र, अपने और देवताओं के झगड़े में निर्दोष मानव को लपेटना न्याय संगत नहीं होगा। परंतु दादाश्री, जिन देवताओं ने आपको, मेरे पिताश्री को और मुझे कष्ट पहुंचाया, उनकी पूजा बंद करवा देना सर्वथा न्याय संगत है। मानव लोक में हस्तक्षेप करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। प्रश्न अधिकार का नहीं है दादाश्री, प्रश्न कर्तव्य का है। किस कर्तव्य की बात कर रहे हो? मैं वचन निभाने के कर्तव्य की बात कर रहा हूं दादाश्री। मैं वचन को दान की श्रेणी में रखता हूं जो देकर लौटाया नहीं जाता। किसको वचन दिया है तुमने? अपने गुरु शुक्राचार्य को। मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं मानव लोक में देवताओं की पूजा बंद करवा कर ही दम लूंगा।
अच्छा तो यह बात है, इसका अर्थ यह हुआ पात्र कि वो सीमा रेखा ही मिट चुकी है जहां से बड़ों के द्वारा किसी को रोका जा सके। तू हटी है पात्र। मैं वचनबद्ध हूं दादाश्री। आज मैं मान गया पात्र कि भाग्य का लेख कोई नहीं मिटा सकता। ब्रह्मा जी भी न जाने किस लेखनी से भाग्य लिखते हैं कि जिसमें एक भी बिंदु का हेर फेर नहीं किया जा सकता। परंतु इतना ध्यान रखना पौत्र कि तुम मानव लोक की सीमा की ओर नहीं अपने पतन और विनाश की ओर बढ़ रहे हो। और मेरा दुख यह है कि इसका परिणाम जानकर भी मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। तुम दादाश्री, महान भक्त प्रहलाद की बात न मानकर अच्छा नहीं किया। मैं मानना चाहता था माते, परंतु दादाश्री ने आने में देर कर दी। बाण धनुष से निकल चुका था, मैं अपने गुरुदेव को वचन दे चुका था और अब मेरी मृत्यु हुई, मुझे मेरा वचन निभाने से रोक सकती है? नहीं वत्स, केवल मृत्यु नहीं, विवेक भी रोक सकता है। विवेक से तनिक सोच कर देखो तो तुम्हें अपने निर्णय की बुराइयां अपने आप दिखाई देंगी। तनिक सोचो पुत्र, तुम्हारे जिस निश्चय से तुम्हारे दादाश्री मेरे पुत्र प्रहलाद को इतना दुख हुआ तो उसे जानकर भगवान विष्णु को कितना दुख होगा। मैं विवश हूं माते। तुम विवश नहीं हो पुत्र, क्रोधाग्नि ने तुम्हारे विवेक के नेत्रों के आगे धुएं की चादर तान दी है और तुम उससे आगे नहीं देख पा रहे हो। मेरी मानो तो अपना निर्णय बदल दो। अपना निर्णय बदलना मेरे वश में नहीं है माते। संभवतः यह निर्णय मेरे भाग्य का लेख बन गया है। प्राणी भूल स्वयं करते हैं और दोष भाग्य को देते हैं। यह निर्णय पूर्णतया तुम्हारा था, तुमने स्वयं लिया था। निर्णय ले लिया, वचन दे दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता माते। कर सकते हो, एक कार्य तुम अब भी कर सकते हो। क्या माते? अपने निर्णय और अपनी माता में से किसी एक को चुन लो। माते? हाँ वत्स, और ये निर्णय भी तुम्हें आज ही लेना होगा कि तुम्हें अपने निर्णय से अधिक प्यार है या मुझसे। तुम्हारी इस मौन को मैं स्वीकृति समझू या अस्वीकृति,